नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर कुमार आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड, हमारे पास जो है फ्रेंड सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A31 मॉडल फोन है। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है फ्रेंड, इसका जो है फोल्डर खराब हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसका जो है फोल्डर को चेंज करके हम दिखाएंगे आप जो करेंट वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक जो है बने रहे। चलिए फ्रेंड बिना देरी के वीडियो को करते गैलेक्सी हैं ए थर्टी स्टार्ट। वन मॉडल फोन है, इसमें क्या दिक्कत आ गया फ्रेंड? इसका जो है फोल्डर इस प्रकार जैसे कि देख पा रहे हैं टूट चुका है, और ये फोन जैसे कि देख पा रहे हैं टेरा भी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड इसका जो है फोल्डर और ये जो है मिडिल चेंज करके हम दिखाएंगे आप जो फ्रेंड वीडियो के शुरू से लेके एंड तक बने रहे। तो चलिए फोल्डर चेंज करने सबसे पहले क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ से जो इसका जो है बैक पेन को ओपन करना होगा। तो इसको सबसे पहले यहाँ से बैक पेन को ओपन कर ले रहे हैं। ये सटा हुआ होता है, आप थोड़ा सा इसको हीट चाहे कर सकते हैं, और ये आसानी सुखड़ रहा है तो आप उखाड़ भी सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये अभी तो आसानी सुखड़ रहा है, गोंद इसका छूट चुका था फ्रेंड, इसको हमसे इसको उखाड़ लेना है। और जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड ये जो है उखड़ चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर जितना सारा स्क्रू लगा हुआ है फ्रेंड, सारा स्क्रू को सबसे पहले ओपन कर लेंगे फ्रेंड। चलिए फटाफट जो है सारा स्क्रू खोल ले रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ से सिम स्लॉट को भी फिर निकाल के रख देंगे। तो चलिए सिम स्लॉट को भी निकाल के रखते हैं, इसका सारा स्क्रू खोल ले रहे हैं इसका। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड सारा स्क्रू इसका खुल चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको जो है ओपनर के मदद से इसको ओपन करेंगे। फोल्डर को नहीं फिट करने से पहले एक बार फोल्डर को चेकअप कर लेंगे। तो अभी हम नया वाला फोल्डर पर यहाँ मंगा सकते थे। अब मैं क्या करना होगा इस फोल्डर को चेक करने के लिए, सबसे पहले जो है फिर यहाँ से ये नीचे वाला जैक को निकाल देना है इस प्रकार से। और निकालने के बाद क्या करना होगा फिर, ये फोल्डर है इसको इस तरीके से रखना है, और इसको यहाँ पे इस प्रकार से रख के और यहाँ से इस जैक को लगाना है, जैसे कि देख पा रहे फिर यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है फोल्डर को चेक करके। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फोल्डर इसमें जो कनेक्ट हो चुका है, जैक लग चुका है। उसके बाद फिर फोल्डर के नीचे यहाँ पे बबल्स रख देंगे। उसके बाद यहाँ से बैटरी का जो जैक है इसको लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, यहाँ से फोन को करेंगे ऑन। देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं फोन फ्रेंड यहाँ पे ऑन हो रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फोन जो है फ्रेंड ऑन हो चुका है, और ये फोन का टैग चेक कर ले रहे हैं फ्रेंड, ये वर्क कर रहा है। इसके बाद थोड़ा सा बैक हो के इसका लाइट अप डाउन करके चेक कर लेंगे, ये फोन तो है लॉक का। तो फ्रेंड सर की सारा जगह इसको चेक कर लीजिए इस तरीके से, यानी कि फोन का टच बिल्कुल ओके है। अब क्या करेंगे फोन को कर देंगे बंद। सबसे पहले यहाँ से बैटरी का पॉइंट को निकाल देना है। निकालने के बाद फिर यहाँ से सबसे पहले जो है फोल्डर का जैक निकाल लेंगे। उसके बाद इस फोल्डर को फ्रेंड रखेंगे साइड में। अब अगला काम जो करना है वो क्या करना है फ्रेंड, इसका जो है फ्रेंड मिडिल टेढ़ा हो जाने कारण से इसका मिडिल भी चेंज करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम नया वाला मिडिल ही मंगा चुके हैं, बट इसमें जो क्या है कि यहाँ पे स्पीकर का जो जाली इस पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें से स्पीकर का जाली निकालेंगे, और निकाल के इस फोन में लगाएंगे, फोल्डर को इसमें साटेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से इसको ताकि इसमें से जाली निकालें। तो ये रहा फ्रेंड इसका जाली निकाल चुके हैं, और इसको अभी रखेंगे साइड में। जाली को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे फिर। साफ करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम इस जाली को यहाँ पे साट देंगे, ताकि बहुत छोटा जाली होने के कारण कहीं ला ना जाए या घर ना हो जाए। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम साट देंगे जाली, थोड़ा सा गोंद लगा देंगे एक तरफ में, और इसको रखेंगे साइड में। अब क्या करना होगा यहाँ से इसको जाली को सबसे पहले मेरा जाली का बैठाने का ही काम करेंगे। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, ये नया वाला जो फोल्डर है फिर इसको इसमें साथ देख। उसके बाद क्या करना होगा फिर, यहाँ पे इसको भी उखाड़ देना है। तो यहाँ पे उखाड़ते समय बिल्कुल आराम से उखाड़ना है, ताकि आपका पत्ता वगैरह कट ना जाए, ये आसानी से हट। अब क्या करेंगे इसको आगे की ओर इस प्रकार से ज़्यादा कस के नहीं तापना है, आराम से साथ देना।
बिल्कुल आराम से। उसके बाद क्या करना है, इस फोल्डर को जो है इसमें मिडिल में फिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे ग्लू लगा देंगे। इसी तरीके से इसे हम ग्लू लगा देंगे। चलिए फटाफट जो है इस पे ग्लू लगा लेते हैं। सबसे पहले के बाद फिर क्या करना है, इसको जो है फोल्डर को इसमें साथ रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तरह इस पे इधर करेंगे बीच में इस क्या प्रकार से। यहाँ होता पे है फोल्डर को फिर यहाँ पे साथ देना है। कोई डिफरेंट? उसके बाद क्या करेंगे फिर, फोल्डर को इसमें जो है कुछ देर के लिए रबर लगा के छोड़ेंगे हम, कम से कम 1 आध घंटा के लिए। उसके बाद फैन जब इसको 1 आवर पुर जाए, उसके बाद क्या करना है, इस रबर को निकाल दे रहे हैं फैन इस प्रकार से। तो क्या करना होगा फैन, ये जो पुरान इस मदरबोर्ड, इसमें से सारा कुछ इसमें निकाल के नया वाला बोर्ड में फिटिंग करेंगे फैन। तो उसके लिए क्या करेंगे फैन, सबसे पहले यहाँ से इस जैक को भी निकाल देंगे। उसके बाद फैन क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रू ये खोलते हैं फैन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस कीट को निकालना है फ्रेंड। उससे पहले यहाँ से जो है नेटवर्क वाला वायर है फ्रेंड, इसको यहाँ से खोल देना है। ठीक उसके बाद फ्रेंड है। इसको निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो जो है इसमें फिट करेंगे इस प्रकार से फ्रेंड, और ये नेटवर्क वायर लगा देना है। अब क्या करेंगे, इस फोल्डर का जो जैक को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ग्लू लगा के उसको चिपसाट देंगे थोड़ा सा, तो भी नहीं सटेगा फैन। अब क्या करेंगे, इसमें से जो फैन मदरबोर्ड को निकालना है, तो निकालने के लिए यहाँ पे फैन स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को खोल देते हैं। उसके बाद ये मदरबोर्ड निकल गया, इसको रखेंगे पहले साइड में। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करना होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पे वाइब्रेटर को निकालना है, थोड़ा सा इस पे मारेंगे। और ये यहाँ पे जो है स्पीकर है, इस पे थोड़ा सा देंगे, और वाइब्रेटर और स्पीकर को सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे थे वाइब्रेटर निकल चुका है, और सीधे यहाँ से निकालना है, और ये वाला इस बोर्ड में इसको यहाँ पे फिटिंग कर देना। अब दूसरा चीज क्या करना है फैन, यहाँ से जो है स्पीकर को निकालना है, इसमें से स्पीकर भी निकल चुका है, अब स्पीकर को भी इसमें रख देना। उससे पहले क्या करेंगे, स्पीकर को थोड़ा सा यहाँ पे साइड में हल्का सा ग्लू डाल देंगे, ताकि स्पीकर गिरे नहीं इधर उधर ना हो। थोड़ा सा ही ग्लू लगा के स्पीकर को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा फैन, इसमें से जो है फैन बैटरी को निकालना है। तो चलिए बैटरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम फैलकॉन का यूज करेंगे। तो ये फैन बैटरी जो है निकल चुका है, बैटरी को यहाँ अब हम पे क्या फैन करें, फिट करना है। तो उससे पहले ये साटना होगा, ताकि बैटरी की इसमें से हिले नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा
उसमें जो है ग्लू लगा देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड इसको जो है बैटरी को यहाँ पे फिट कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पे मदरबोर्ड को यहाँ पे फिट करना है, बैठाना है इस प्रकार से। और ये मदरबोर्ड फैन यहाँ पे बैठा है। अब इसको एक स्क्रू जो खोले थे इसका, इसके स्क्रू को यहाँ पे कस दे रहे हैं। स्क्रू फैन कसाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो है सबसे पहले इधर वाला जैक लगा देना है। अब क्या करना होगा फैन, यहाँ पे जो है इसको मिडिल को यहाँ पे फिट करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट यहाँ पे फिटिंग कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड सारा कुछ लग चुका है। अब एक बार फोन को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं फ्रेंड। फोन भी फ्रेंड ऑन हो रहा है, सिर्फ इसको हटा देंगे अब, जैसे कि देख पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जितना सारा स्क्रू खोले थे फ्रेंड, तब तक फोन ऑन होगा तब तक हम सारा स्क्रू कस देंगे। तो चलिए फटाफट सारा स्क्रू कस ले रहे हैं इसको। तो फाइनली फ्रेंड सारा स्क्रू इसका जो है कसा चुका है। अब क्या करेंगे, इसका जो है बैक पैनल को इसमें साटना है। एक बार फिर से टच को चेक कर ले रहे हैं फ्रेंड, टच जो है फ्रेंड अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है बैक पैनल को इसमें साटेंगे। इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे चारों तरफ से जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्लू हम लगा देंगे फ्रेंड। तो फाइनली फ्रेंड चारों तरफ से इसमें ग्लू लग चुका है। अब क्या करेंगे, इसका जो है बैक पैनल है इसको साट के और इसमें जो है फ्रेंड रबर लगा देंगे, ताकि आपका जो बैक पैनल जो है वो अच्छी तरीके से इसमें सट जाए। तो फ्रेंड रबर लग चुका है। मान लीजिए जब ये फोल्डर लगाते हैं और साइड में जब ग्लू रहता है, तो इसको आप कपड़ा में थोड़ा सा फेविकोल लगा के या फिर थिनर इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर ले, और क्लीन ये हो जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं फ्रेंड। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।